बाद आपका स्वागत है। और अब बात बीपीएल योजना की, जो कि भीलवाड़ा में इन दिनों मजाक बनकर रह गई है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के लिए बीपीएल योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं भीलवाड़ा में आलीशान घरों में रहने वाले लोग भी बीपीएल परिवारों में आते हैं। जी हां, ये मामला सामने आया है भीलवाड़ा में, जहां सीएम दौरे के दौरान बीपीएल चयन सूची में कई गड़बड़ियां सामने आई, जिसे दूर करने के लिए बीपीएल घरों के बाहर मैं बीपीएल हूं लिखने के निर्देश दिए गए थे। तब सामने आया कि बड़े बड़े आलीशान घरों में रहने वाले परिवार भी इस सूची में शामिल हैं, जिन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये मकान गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के होंगे। लेकिन फिर भी सरकार ने इन्हें बीपीएल परिवारों की सूची में शुमार किया और आर्थिक रूप से मजबूत नजर आने वाले ये परिवार सरकारी योजनाओं का लुफ्त में लाभ भी उठा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इन मकानों को देखकर आप सोच रहे होंगे ये किसी लखपति या करोड़पति के घर है। चलिए लखपति या करोड़पति का मकान ना हो, फिर भी ये किसी गरीब का घर नहीं हो सकता। पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये मकान गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोगों के हैं। चौंकिए मत, ये हम नहीं, खुद सरकार कह रही है। घर के आगे लगे इस पीले बोर्ड को देखिए, जिसमें साफ साफ लाल रंग से लिखा है बीपीएल चयनित परिवार। ये इस देश के सिस्टम और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही संभव है कि लखपति को रोड़पति बना दिया गया और बदले में जिंदगी भर सरकारी सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री के आपका जिला आपके सरकार के दौरे के दौरान बीपीएल चयनित सूची में गड़बड़ियां देखी गई, इसको लेकर उन्होंने बीपीएल घरों के बाहर मैं बीपीएल हूं लिखने के निर्देश दिए। इसके बाद जिले में अभियान चलाकर घरों के बाहर मैं बीपीएल हूं लिखवाने का काम चालू हुआ, तो ऐसे आलीशान मकान भी सामने आए जो बीपीएल सूची में आए। यही नहीं, कई जगह तो ऐसे नजारे भी सामने आए कि पक्का मकान वाला तो बीपीएल में है और उसके पास कच्चा मकान एपीएल सूची से जुड़ा है। तो जिला परिषद से एक आदेश निकाल दिया है, पूर्ण सर्वे किया जा रहा है और जो ऐसे लोग गलत जुड़ गए हैं, जिनके बहुत जमीन भी है, अच्छे मकान भी है, जो धनाढ्य है, उन लोगों का सर्वे करके उनके नाम काटे जा रहे हैं और ये काम चालू है। बहुत जल्दी पूरे जिले में ऐसा हो जाएगा और उनकी लिस्ट भी बन के तैयार हो जाएगी। लगभग कितने होंगे? ये संख्या तो अभी आई नहीं है, पर अच्छी संख्या में है, कम नहीं है। उनमें उन लोगों के भी नाम काटे जा रहे हैं, उनका सर्वे पहले शुरू हो गया, जो मृत हैं उनके भी नाम काटे जा रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मृत घोषित कर दिया और वो जिंदा है, उनके नाम। ऐसे लोगों को जोड़ने वाले अधिकारी या कोई है, उस पर कोई कार्रवाई करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत है जिन्होंने किया है उनके ऊपर तो होनी चाहिए, पूरी कोशिश करूंगा मैं कि उन पर कार्रवाई हो। भीलवाड़ा में कुल 3,75,000 परिवार है, जिनमें से 1,01,942 परिवार बीपीएल परिवार है। इनमें से कई परिवार पूरी तरह सक्षम है, लेकिन ऊंची पहुंच के चलते वो भी बीपीएल सूची से जुड़े हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सूची की समीक्षा के बाद ऐसे लोग जो सक्षम है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही जो परिवार बीपीएल के योग्य हैं और उन्हें नहीं जोड़ा गया है, तो उनको भी सर्वे करके बीपीएल सूची से जोड़ा जाएगा। पर ये तो अधिकारियों के आश्वासन भर है, जो पता नहीं कब पूरे होंगे। हालात देखकर तो ऐसा ही लगता है अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन करे दे। भीलवाड़ा से सोमदत्त त्रिपाठी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से जिला प्रमुख रामचंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी रामचंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ अच्छे मकान है, आर्थिक संकट से ये जूझ रहे हैं, ये नहीं लगता इन परिवारों को देखकर? उनके बाहर यहाँ पर लिखा हुआ है मैं बीपीएल परिवार हूँ, बीपीएल सूची में शुमार है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, अभी जो लिखाने के बाद ये सामने आया, हमारे ध्यान में लाया गया है कि बीपीएल वो लोग भी हो गए हैं जिनके अच्छे मकान बने हुए हैं जी, जिनके जमीन भी है, ट्रैक्टर भी है, ऐसे लोग भी हो गए हैं, तो उनका सबका सर्वे पूरे जिले का किया जा रहा है जी, और बहुत जल्दी उनके नाम उस सूची से पृथक कर दिए जाएंगे। तो कहाँ गड़बड़ हुई इस मामले में, किसकी लापरवाही उजागर हुई? हाँ पहले हुई तो नीचे लेवल पे, ये जिन लोगों को सर्वे के लिए लगाया गया था जी, उन लोगों ने ही गलतियां की है मिली भगत करके, और नमन कैसे उन्होंने इन लोगों को बीपीएल घोषित कर दिया, जबकि वास्तव में जो गरीब लोग हैं, जो इस योजना से कुछ ऐसे भी हैं जो वंचित रह गए, तो उनको भी जोड़ने का और जो पैसे वाले हैं जो जुड़ गए उनको काटने का काम हम बहुत जल्दी चालू हो गया है।
जी रामचंद्र जी, पहले ये काम क्यों नहीं हुआ? जिस तरह से सीएम राजू ने दौरा किया उसके बाद सारी अनियमितताएं सामने आई थी, वहीं इतने सालों तक जो लाभ इन परिवारों ने उठाया है, क्या वो उनसे वसूला जाएगा? क्या कुछ इसके लिए रूपरेखा तैयार की गई है? नहीं नहीं, गहलोत सरकार में जाते जाते उन्होंने रेवड़ियां बांटी है जी। और उन्होंने ऐसी रेवड़ियां बांटी है कि सबको, अधिकतर लोगों को मिलने वालों को बीपीएल कर दिया और उसका परिणाम हम सबको भोगना पड़ रहा है आज। और ये सामने आया जब उनके घरों के ऊपर बीपीएल लिखाया गया जी। और लिखाने के बाद पब्लिक के ध्यान में आ रहा है कि ये लोग भी है और अब उन लोगों को भी शर्म महसूस हो रही। कई लोग तो आ रहे हैं कि भाई मैं तो, मुझे हटवा दो, मेरे नाम क्या घर के आगे आप बीपीएल मत लिखो, ये भी आ रहे हैं जी। वही अब तक सरकारी योजनाओं का जो इन्होंने मुफ्त में लाभ उठाया है उसके लिए आप क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? क्या उन योजनाओं का लाभ एक बार फिर से इनसे वसूला जाएगा? क्या कुछ गाइडलाइन आपके द्वारा यहाँ तैयार की गई? वसूलने वाला तो राज्य सरकार के है, लेकिन हम लोग तो तत्काल इन सूचियां बना करके उन लोगों को पृथक कर देंगे, हटा देंगे बीपीएल से जी। और उनकी जगह उन लोगों को जोड़ेंगे जो वास्तव में वंचित है। ये काम हम लोग करने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। रामचंद्र जी, कोई डेडलाइन यहाँ पर बनाई गई है, कब तक ये काम पूरा हो पाएगा? हाँ, पूरे जिले में बहुत जल्दी हो जाएगा, ये अगले महीने तक हो जाएगा पूरा जी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि यहाँ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया रामचंद्र जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। जिला प्रमुख रामचंद्र सेन से हमने बात की, उनका यहाँ पर कहना था कि जांच शुरू कर दी गई है, अगले महीने तक कार्य भी पूरा कर दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले का ठीकरा कांग्रेस सरकार पर फोड़ते हुए नजर आया, जहां जाते जाते ये सौगात इन आलिशान घर वालों को दी गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा। पूरा मामला यहां पर सामने आया, जिस तरह से ये कहा गया कि सीएम राजे के दौरे के बाद सारा मामला उजागर हुआ था, बीपीएल परिवार योजना में जो गड़बड़ियां उजागर हुई थी उसके बाद इस मामले को गंभीर माना गया है, जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। जब ये निर्देशित किया गया था कि बीपीएल परिवारों के घरों के बाहर मैं बीपीएल हूँ ये लिखवाया जाए, उसके बाद ये मामला उजागर हुआ था। लगातार अब कार्रवाई की जा रही है, अगले महीने तक कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा, इन परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर कर दिया जाएगा, ये कहना था जिला प्रमुख का। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।